गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम साइंस का एक चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पीछे, एनिमल्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ एनिमल्स। अगर आप अपने घर के आसपास देखें तो कैट, बिल्ली, रैट, चूहा, डॉग, कुत्ता, इसी तरीके से पक्षी भी होते हैं कुछ, स्पैरो, क्रो, है ना, चिड़िया, कौवे, कबूतर, पिजन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा और भी जो आपने नहीं देखे, जैसे लॉयन, देखा आपने? नहीं देखा आपने। और हम बात करें एलिफेंट, इसके अलावा हमें दूध देती है भैंस, गाय, बकरी, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। और ये सारे के सारे एनिमल्स जिनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब जो जिंदा है। अब जो जिंदा है वो क्या करेगा? सबसे पहले खाना खाएगा। क्यों खाना खाएगा? आप खाना खाते हैं? जी बिल्कुल खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि आप दौड़ पाए, भाग पाए, काम कर पाए, स्कूल की पढ़ाई कर पाए, इसलिए तो खाना खाते हैं। तो इसी तरीके से जो जानवर हैं, यानी जो भी जिंदा चीजें हैं, हर चीज को जरूरत होती है किसकी? फूड की। और साथ ही साथ फूड की जरूरत होती है किसके लिए? ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए। आप पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, और बड़े हुए, और बड़े हो जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो इसके लिए भी किसकी जरूरत है? फूड की, खाने की जरूरत होती है। और मूवमेंट करने के लिए भी आपको जरूरत होती है। इधर उधर आना है, जाना है, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो क्या चल पाओगे? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। तो इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको भी खाने की जरूरत होती है, इसलिए ताकि वो मूव कर पाए, इधर उधर जा पाए। अब उन्हें खाना मिलता कहाँ से? किसी रेस्टोरेंट पे तो नहीं जाते कि चलो जी आज तो हाथी ने कहा जी चलो आज डोसा खाने चल रहे। खा सकता है? नहीं ना। किसी डोसे की दुकान पर हाथी को बैठे हुए तो नहीं देखा ना आपने? तो उनको तो अपने चारों तरफ जो भी, जैसी भी उनकी आवश्यकता होती है वो अपने आप खा लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे, हाथी के बारे में आप जानते हैं कि वो तो शाकाहारी होता है, पेड़ की पत्तियां खाता है और फल खा जाता है। इसी तरीके से बंदर को देखें, मंकी को, वो भी तो इसी तरीके से पेड़ पर उछल कूद करता है। खाना इसीलिए उसको जरूरत है कि उछल कूद कैसे कर पाएगा, ठीक है ना? तो फूड की जरूरत होती है। आप बात करें किसी शेर की, तो शेर तो वो तो नहीं खाता जी घास, वो क्या करता है? दूसरे जानवरों को मारकर उनका मांस खा जाता है। तो वो भी उसके लिए फूड है, उसके लिए उससे उसको एनर्जी मिलती है। अब उनकी शेप भी होती है, जो जानवर होते हैं, एक जानवर छोटा है, एक बड़ा है, और खाना उसी शेप के आधार पर चाहिए, ठीक है ना? भाई आप अगर मान लीजिए दो रोटी खाते हैं तो आपके पापा शायद पांच खाते होंगे, क्योंकि आप छोटे हैं, पापा बड़े हैं। तो इसी तरह से जानवरों को भी अपनी बॉडी की शेप के आधार पर कम या ज्यादा फूड खाने की जरूरत होती है, शेप के आधार पर, साइज के आधार पर। और साथ ही साथ जो जानवर जिस तरह का फूड खाता है उस तरह का उसका दांत भी होते हैं। आपने देखा होगा चूहा, चूहे के बड़े पतले पतले दांत होते हैं, कुतरने का काम करता है। और शेर की बात करें तो शेर के दांत तो बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि उसको तो क्या करना होता है, बड़े बड़े जानवरों के मांस को फाड़ना होता है। अब एक ही बार में वो टूट गए तो फिर भाई कैसे खाएगा वो? तो इसलिए उसके दांत ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने, मालिक ने कैसे बनाए? बड़े मजबूत बनाए, ताकि वो क्या कर सके, उस मांस को खा सके, ठीक है? इसके अलावा उन जानवरों के अलग अलग कलर्स भी होते हैं। आपने घोड़े देखे होंगे, सफेद रंग का घोड़ा भी है, काले रंग का घोड़ा भी है, भूरे रंग का घोड़ा भी है, ठीक है? तो उनके अलग अलग कलर्स भी होते हैं, ठीक है? तो शेप, साइज, कलर, ये अलग अलग तरह के जानवरों के होते हैं।
अब शेप साइज कलर, कलर से कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन शेप और साइज से उनका फूड डिसाइड होता है। ये मैंने आपको बताया कि उनका फूड कितना उसको खाना है, कितनी उसको जरूरत है, वो उसका शेप और उसके साइज से डिसाइड हुआ करता है। आप अगर अपनी बुक को देखेंगे तो बुक के अंदर शेप, साइज और कलर और उसके आधार पर डिफरेंट फिगर्स भी बनी हुई हैं, काउ, एलिफेंट, बफेलो, गॉट, अलग अलग तरह के जानवर आपके सामने दिखाए गए हैं। और ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, जो आपके सामने बने हैं, उनको आप देख सकते हैं, शेप उनका, साइज भी उनका। एलिफेंट का साइज आप देखते हैं बहुत बड़ा होता है, गॉट उसके कंपेयर में छोटी होती है, बफेलो छोटी होती है एलिफेंट के कंपेयर में। तो मैंने आपको बताया उनका फूड उसी आधार पर चेंज हो जाता है। चलिए इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।